हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इग्नो सो गाइस आज हम एम एम पी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ब्लॉक वन से गाइस मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कि मैंने ब्लॉक वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली चेक दोज़ वीडियोज़ और मैंने आंसर राइटिंग हैक्स एंड टिप्स भी शेयर किया है और टिप्स टू स्कोर हाई मार्क्स इन एग्ज़ाम्स वो वाला भी वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एच आर एम दैट इज़ कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ़ एच आर एम गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने एंड में अपना हैंड रिटन फ्लो चार्ट एंड कुछ कुछ नोट्स प्रोवाइड किया है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सो so फर्स्ट हम देखेंगे वॉट इज एच आर एम एच आर एम इज़ द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग डेवलपिंग मेंटेनिंग, रिटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मतलब हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं मैंटेन कर रहे हैं अक्वायर कर रहे हैं ह्यूमन द टर्म रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेश रिक्वायर्ड वर्क फोर्स ह्यूमन क्या हुआ जो कि वर्क फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो रिसोर्स वर्क फोर्स सप्लाई के लिए यूज़ हुआ है एंड मैनेजमेंट रेफर्स टू द मोस्ट अफिशियट यूज़ ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और मैनेजमेंट हुआ कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से यूज़ कर रहे हो ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके फ्रेंच पैंडल ने एक डेफिनेशन दिया है एच आर एम इज़ द रिक्रूटमेंट सेलेक्शन डेवलपमेंट यूटिलाइजेशन कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह रिक्रूट कर रहे हो किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हो डेवलप कर रहे हो यूटिलाइज कर रहे हो मोटिवेट कर रहे हो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं गाइज इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना हम खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज़ वाट इज एच आर एम इम्पॉर्टेंट स्कोप नेचर एंड कॉम्पनन्स क्योंकि ये सब रिपीटेडली एग्जाम्स में आ रहा है सो नेक्स्ट इज वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एच आर एम फर्स्ट सोसाइटल सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल थर्ड फंक्शनल एंड फोर्थ इज पर्सनल सोसाइटल में है कि आपको जो चैलेंजेस और नीड्स है सोसाइटी का उनको भी मीट करना है सो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर सोशली एंड एथिकली रिस्पांसिबल फॉर द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रिकोगनाइज द गोल ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल एफेक्टिवनेस वर्ड से ही समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑबजेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना ताकि आप ज़्यादा इफेक्टिवलीफेक्टिव effective बना सको अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑबजेक्टिवस फंक्शनल ऑबजेक्टिव ट्राई टू मैंटेन द डिपार्टमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेश डिमांड मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हो नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिवस पर्सनल ऑब्जेक्टिव असिस्ट इम्प्लॉज इन अचीविंग दर पर्सनल गोल्स एट लीस्ट इन सो फार एज दीज गोल्स इनहेंसेज द इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अगर अचीव हो रहा है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा उसके एम्प्लॉय उसके परफॉर्मेंस को और सैटिस्फैक्शन को भी इन्हांस करेगा नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम द इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एम कैन भी डिस्कस्ड एट फोर लेवल्स फोर लेवल्स में हम डिस्कस कर सकते हैं कॉरपोरेट प्रोफेशनल सोशल एंड नेशनल कारपोरेट लेवल में क्या है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द रिक्वायड टैलेंट मतलब कि आप टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो और रिटेन करके रख रहे हो फॉर इफेक्टिव एच आर प्लानिंग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ऑरेंटेशन कंपनसेशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज और आप ये कैसे कर सकते हो अगर आप अच्छा लाइक like, ओरिएंटेशन होगा अच्छा प्रमोशन होगा अच्छा कंपनसेशन होगा तो ऑब्वियस ये बात है कि इम्प्लॉयज़ इम्प्लॉयज़ रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग द राइट्स एंड द राइट एटीट्यूड्स एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड अमंग द इम्प्लॉज़ अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करना अच्छे अच्छे एटीट्यूड्स लाना यूटिलाइजिंग यूटिलाइजिंग एफेक्टिवली अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना नेक्स्ट इज प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ताकि एक एम्प्लॉय का पर्सनल डेवलपमेंट हो सके उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड अलोकेटिंग द वर्क प्रॉपर्ली और वर्क को भी प्रॉपरली अलोकेट करना नेक्स्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस सोसाइटी में कैसे इसका सिग्निफिकेंस है सुटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जो कि एक सोशल सेटिस्फैक्शन दे एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आप वेस्टेज नहीं हो ह्यूमन रिसोर्सेज का नेक्स्ट इज नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन अगर ह्यूमन रिसोर्सेज और उनका मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो ओवरऑल नेशन का भी डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एच आर एम वेरी इंपॉर्टेंट सी गाइज अपना ये सब पॉइंट्स को आंसर्स को थोड़ा सा इलाबरेटेड वे में लिखने में यूज़ कर सकते हो जैसे आपको एक आंसर फाइव टू तो सिक्स पेजेस का लिखना पड़ता है तो अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप जैसे उस टॉपिक के थोड़ा सा जो भी हिट कर रहा है उस टॉपिक के लिए आपको वो लिख सकते हो जैसे नेचर ऑब्जेक्टिव्स ये सब तो नेचर ऑफ़ एच क्या है इट इज़ ऑल परवेजिव परवेजिव मतलब कि वो सारे एंटरप्राइजेस में प्रेजेंट है क्योंकि आज हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एच की ज़रूरत है ठीक है तो एच भी हर ऑर्गेनाइजेशन हर एंटरप्राइजेस में प्रेजेंट है नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड एच जो है वो अटेंशन किस पे देता है एक्शन पे मतलब कि रिकॉर्ड कीपिंग और ये सब पे अटेंशन नहीं है बल्कि राधा देन आ, इसका अटेंशन है एक्शन पे एक्शन ओरिएंटेड है ये नेक्स्ट इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड इट ट्राइज टू हेल्प एम्प्लॉयज़ टू डेवलप देयर पोटेंशियल फुल्ली एक इंडिविजुअल को अपना पोटेंशियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है नेक्स्ट इज़ पीपल ओरिएटेड ऑब्वियसली बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वि रिलेटेड विथ पीपल ओनली सो इट इज़ ऑल अबाउट पीपल बोथ एज इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड ओबियसली बात है अगर इफेक्टिव एच आर एम होगा तो गोल्स अच्छे से अचीव होंगे तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है कि कैसे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके अच्छे से गोल अचीव कर सके नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फुल डेवलपमेंट हो एम्प्लॉइज़ का इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म एच आर एम ट्राइज टू बिल्ड एंड मैंटेन क्वालिटी रिलेशन बिटवीन द पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल मतलब अलग अलग लेवल में जो काम कर रहे हैं पीपल उनके बीच में अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने में हेल्प करता है इंटर डिसप्लिनरी मतलब ये मल्टी डिसप्लिनरी एक्टिविटी है बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूस इट इज़ कॉन्टीन्यूस क्योंकि ऐसा नहीं है कि वन शॉट है ये इट के नॉट बी प्रैक्टिस ओनली वन आर ईच डे और वन डे अ वीक ये कॉन्स्टेंटली चलते रहता है नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंस क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है एच आर ऑर्गेनाइजेशन एच आर प्लानिंग एच आर सिस्टम एच आर डेवलपमेंट एच आर रिलेशनशिप एच आर यूटिलाइजेशन एच आर ए दैट इज एच आर अकाउंटिंग एंड एच आर ऑडिट फर्स्ट है एच आर ऑर्गेनाइजेशन एच आर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद अचीविंग सक्सेस बाई ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट मोटिवेशन एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द मैसेज अबाउट वर्ट द एंटरप्राइज इज सेटिंग हाउ इट प्रोसेस टू डू इट ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये कंसर्न है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगा और ये कैसे होगा डिफरेंट डिफरेंट लाइक मोटिवेशनल टेक्निक्स एंड डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स ये सबसे नेक्स्ट इज़ एच प्लानिंग ये तो पता ही है एच प्लानिंग करना अच्छे से कि कितना ज़्यादा डिमांड है और कितना ज़्यादा सप्लाई है इट मेनली डील्स विद द फोकास्टिंग ऑफ बुद्ध सप्लाई एंड डिमांड फॉर फ्यूचर लेबर लेबर मतलब कि आपको कितना ज़्यादा किस तरह के एम्प्लॉज रिक्वायर्ड है प्रेजेंट में कितने रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में कितने रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें से डील करता है एच आर सिस्टम आर द एसेंशियल प्रोग्राम्स नीडेड टू रिक्रूट अप्रेस पे एंड लुक आफ्टर हेल्थ सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ द इम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ओवरऑल एम्प्लॉय का हेल्थ मैनेजमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट कल्चर मैनेजमेंट ये सबसे डील करता है एचआर डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाई विच द इम्प्लॉयजनाइजेशन आर हेल्प्ड इन कंटिन्यूस प्लान वे मतलब कि एच आर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज जो है उनको एक कंटिन्यूअस हेल्प मिलता है कैसे टू शार्पन देयर कैपेबिलिटीज़ उनका कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने में डेवलप देर इनेबलिंग कैपेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल्स डेवलप देर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मतलब कि ऑल टुगेदर टीम वर्क और सुपीरियर सबऑर्डिनेटेड रिलेशनशिप ये सब सबको इम्प्रूव करना एच आर रिलेशनशिप डील विद द हैंडलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ऑफ़ ट्रेड यूनियन और स्टाफ एसोसिएशन मतलब इसमें स्टाफ एसोसिएशन और उनका रिलेशन ये सबसे डील करता है नाम से ही लग रहा है कि रिलेशनशिप से डील करता है आपस में जो जैसे कि ट्रेड यूनियन और ये सब एच आर यूटिलाइजेशन एचआर इंक्लूड्स द एक्शंस रिक्वायर टू इम्प्रूव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि मतलब इसमें सारे एक्शंस कवर होते हैं जो कि आप ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करोगे एच आर ए दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग फॉर द पीपल एज द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स इफ द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड द वैल्यू ऑफ द पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इनवॉल्व मेजरिंग द कॉस्ट इनकर्ड ऑन रिक्रूटमेंट सेलेक्टिंग हायरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज मतलब कि इसमें मेजर किया जाता है कि कितना कॉस्ट इनकर हुआ है टोटल अकाउंटिंग है तो कॉस्ट मेजर करना ही वही मोटिव रहेगा ठीक है जितना कॉस्ट इनकर हुआ है इन रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग ट्रेनिंग हायरिंग नेक्स्ट इज एच आर ऑडिट वेरी इम्पोर्टेंट द पर्पज ऑफ एच आर ऑडिट इज़ टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन मतलब कि आप एसेस कर रहे हो कि कितना इफेक्टिव है आपका एच आर एम फंक्शन एंड टू इंश्योर रेगुलेटरी Compliance, मतलब कि जो भी रूल्स एंड है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं आपका एच आर डिपार्टमेंट एंड ऑल एच आर ऑडिट इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड कवर्स मैनीट एस्पेक्ट्स बहुत सारे डेलीकेट एस्पेक्ट्स को भी कवर करता है तो गाइज ये था एच आर एम का फर्स्ट चैप्टर और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने हैंड रिटन नोट्स गाई सी दिस इज़ माई हैंड रिइन नोट्स हमने जितना भी पढ़ा ना मैंने इसको समराइज करके इसमें लिखा है इसी ऑब्जेक्टिव में सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल पर्सनल इंपॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस में भी जो की वर्ड्स थे मैंने साइड में लिख रखे हैं अगर आप पूरा चैप्टर दोबारा से नहीं पढ़ पाओ तो खाली आप ये जिस्ट देख लोगे तो आपका हो जाएगा ये चैप्टर कवर सी कॉम्पोनेंट्स के लिए भी मैंने एक एक कीवर्ड दे दिया है और ये जो सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे इनके लिए भी मैंने जो मेन कीवर्ड्स है वो भी साइड में लिख रखा है तो ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप इसको कवर कर सकते हो इजीली। सो गाइज़ काइंडली लाइक माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द bell icon क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगी विथ माई हैंड रिटन नोट्स जिसमें कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ कीवर्ड्स लिख रखे होंगे जिससे कि आप फटाफट से रिवाइज कर पाओ एग्ज़ाम में